नमस्ते दोस्तों, मोटरबीम हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम चला रहे हैं मारुति की नई XL6 और मैं आपको बताऊंगा चार चीजें जो हमें अच्छी लगी और चार चीजें जो हमें इतनी अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली अच्छाई है कंफर्ट। इस गाड़ी में मारुति ने कैप्टन सीट्स दी हैं सेकंड रो में, और ये सीट्स में काफ़ी अच्छा साइड सपोर्ट भी है। हेडरूम, लेग रूम, नी रूम भी बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली ओवर लॉन्ग ड्राइव्स ये सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कंपेयर टू दी अर्टिगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ये गाड़ी एक 1.5 लीटर K15 पेट्रोल इंजन से पावर्ड है। इसका लो एंड परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इसमें सेकेंड जनरेशन स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो तीन चीज़ें करती है, एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये लो एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। मारुति ने इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके से सेट की है, चाहे बड़े खड्डे हो या छोटे खड्डे हो, अंदर कुछ भी महसूस नहीं होता है। थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट है इसमें, बट फुल लोड पे भी ये बहुत कंफर्टेबल है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग सेटअप बहुत ही बेहतरीन है, मतलब फीडबैक बहुत ही अच्छा है। लो स्पीड हो या हाई स्पीड हो, हाईवे पे आप चल रहे हो, स्टीयरिंग बहुत प्रिडिक्टेबल फीडबैक देता है। और MPV के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी हैंडलिंग काफ़ी बेहतरीन है। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई। सबसे पहले कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स बेटर हो सकते थे, जैसे जो टायर्स हैं इसके थोड़े से छोटे लगते हैं, जबकि ग्रिप वगैरह बहुत ही अच्छी है लेकिन देखने में थोड़े से छोटे लगते हैं। इस गाड़ी में मारुति ने LED हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स दिए हैं, लेकिन ये LED इंडिकेटर्स भी दे सकते थे, और अगर एक रूफ स्पॉइलर होता तो दिखने में और चार चांद लग जाते। मारुति इसको एक प्रीमियम MPV बोल रही है, बट प्रीमियम के हिसाब से इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती थी, जैसे कि 6 एयरबैग्स हो सकते थे, सनरूफ हो सकती थी, ऑटो डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर हो सकता था, और वायरलेस चार्जिंग भी हो सकती थी। मारुति ने इसमें जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया है वो थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी वाला 4-स्पीड ट्रांसमिशन है। इस ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस भी इतनी बेहतरीन नहीं, मतलब 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ये कम से कम 2 सेकंड स्लोअर है मैनुअल के मुकाबले में। दूसरा, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी मैनुअल के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। इसकी चौथी खामी देखी जाए तो ये मैकेनिकली बिल्कुल सेम है अर्टिगा जैसी, और MPV सेगमेंट में सबसे ज्यादा डीजल बिकता है, और इस समय मारुति इसमें डीजल नहीं ऑफर कर रही है। ये थी कुछ अच्छाइयां और खामियां XL6 के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, थम्स अप दीजिए इसको, और मोटरबीम हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।